ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत को मेरा सुमन आंटी का जय गुरुजी। और संगत जी, आज मैं आपके सामने एक छोटी सी बात कहने के लिए आई हूँ कि मेरे को एक प्रश्न आया कि गुरु जी का स्वरूप कहाँ से प्राप्त करें, कैसे मिलेगा। तो ये क्वेश्चन एक बहुत कॉमन है और ये कई बार कमेंट में आता ही रहता है, और मैं इसका पहले भी आंसर कर चुकी हूँ और आज फिर मैं इस पे ही एक वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि जितनी नई संगत जुड़ती है गुरु जी की संगत तो दिन रात नई नई जुड़ती ही जा रही है और आगे भी जुड़ती ही रहेगी, तो सबके पास ये एक छोटा सा मेरा मैसेज पहुँचे, इसीलिए मैं ये वीडियो को बना रही हूँ। क्योंकि जितनी भी नई संगत होती है वो थोड़ा परेशान हो जाती है कि गुरु जी का स्वरूप कैसे प्राप्त करें। सबको चाहिए गुरु जी का स्वरूप, मेरे को भी चाहिए, आपको भी चाहिए, सबको चाहिए। देखिए होता क्या है कि गुरु जी का स्वरूप जब हमारे पास नहीं होता ना, तो हमें इतनी बेचैनी होती है कि हम सोचते हैं इसे फटाफट से हम डाउनलोड कर लें, है ना, डाउनलोड कर लें या अमेजोन से मंगा लें, है ना। इस तरह से होता है, सबके साथ होता है, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ, मैं अपना पर्सनल अनुभव भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए ये दो बातें हैं, है, एक बात तो है कि आपको गुरु जी का स्वरूप चाहिए और दूसरी बात क्या है, आपको गुरु जी की ब्लेसिंग चाहिए। तो आप देखिए आपको क्या चाहिए। अगर केवल स्वरूप ही चाहिए तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, है ना, फोन में आप ले सकते हैं या अमेजोन से ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आपको ब्लेसिंग चाहिए, मेन चाहिए गुरु जी की ब्लेसिंग, है ना। स्वरूप और ब्लेसिंग, है ना, जैसे जहाँ पे स्वरूप है गुरु जी की ब्लेसिंग ही है, वो स्वरूप है तो कहते हैं गुरु जी अपने स्वरूप में ही विद्यमान है, लेकिन मेन होता है ब्लेसिंग, जब हमें कोई चीज मिलती है ना, तो हमें जब ब्लेसिंग के माध्यम से कोई चीज मिलती है तो कृपा उसी में ही होती है ना। तो जैसे ये मैं आपको बताऊं, ये मुझे, मैं सत्संग में गई थी तो ये वाला स्वरूप मेरे को गुरु जी का सत्संग से मिला, तो आप विश्वास कीजिए बहुत जबरदस्त खुशी होती है, उस खुशी को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता जो गुरु जी के साथ जुड़ चुके हैं जब उन्हें गुरु जी का स्वरूप मिलता है ना। और जैसे मैं ये दिखाती हूँ आपको कि ये वाला भी मेरे को गुरु जी की ब्लेसिंग मिली थी, मैं एक सत्संग में गई थी तो ये मेरे को वहां से मिली। तो जब मैं आपको अपनी बात बताती हूँ कि जब मैं पहली बार बड़ी मंदिर गई और वहां पर जब मैं गुरु जी के साथ जुड़ी तो फेसबुक पे जैसे सब देखते हैं फोटो, तो मेरे को भी दिखी, तो उस टाइम पे तो मेरे लिए वो सिर्फ फोटो ही थी, स्वरूप अब बना है जब मैं संगत बन गई हूँ, तो अब मेरे लिए वो स्वरूप है। तो फेसबुक पे तो जब इतने सारे हमने वो देखे फोटो गुरु जी के, जय गुरु जी लिखा हुआ, तो समझ तो आना ही नहीं था क्या चीज है। तो जब मेरे को किसी ने अपने साथ जोड़ा, मतलब एक आंटी थी, उन्होंने मेरे को कहा कि आप गुरु बनाओ, तो जब उन्होंने मेरे को जोड़ा गुरु जी के साथ, मेरा कनेक्शन बनाने के लिए कहा कि आप गुरु बनाओ, तो ये गुरु जी का निर्देश ही था। क्योंकि पहले तो मुझे फेसबुक के माध्यम से ही कई बार मैंने देख लिया था कि ये गुरु है, उस टाइम भी तो मुझे ये भी नहीं पता था कि गुरु जी अब चोले में नहीं है, लेकिन जब मैं जुड़ी तब मैंने थोड़ा सा रिसर्च करी गूगल के माध्यम से, नेट के माध्यम से देखा, तब मुझे थोड़ी जानकारी मिली। और मेरी सिस्टर भी जुड़ी, लेकिन वो बाद में जुड़ी, पहले मैं जुड़ी गुरु जी के साथ, तब मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद क्या हुआ कि जब हम बड़े मंदिर गए, वहाँ की बात भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कि जब मैं देख रही थी एक बार, पहले बार शिवरात्रि के दिन ही मैं पहले सत्संग मैंने अटेंड करा, वहाँ पे मैंने लोगों के गले में लॉकेट देखे, ब्रेसलेट देखे हाथों में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरे पास भी होना चाहिए। और उस वक्त मैं एक छोटी सी परेशानी से भी थोड़ा सा जूझ रही थी, तो मुझे ये था कि बस मुझे तो लॉकेट चाहिए चाहिए, लॉकेट चाहिए चाहिए। तो लॉकेट जो है, जब मेरे को फिर वहाँ पे मेरे को पता भी चल गया कि ये जो ब्लेसिंग होती है ये ब्लेसिंग के थ्रू ही आपके पास पहुँचेगी, अगर आप इसको खरीदेंगे तो उसमें आपकी ब्लेसिंग नहीं होगी, वो तो उसका कोई फायदा नहीं है, तो आप वेट करो, गुरु जी आपको अपने आप ही देंगे।
तो मेरे मन में ये हुआ कि गुरु जी मुझे तो जो है बिल्कुल चाहिए ही चाहिए, मुझे तो लॉकेट चाहिए ही चाहिए, बस मुझे लॉकेट की धुन सी हो गई कि मेरे को लॉकेट चाहिए। तो अब बड़े मंदिर गए, स्वरूप तो मेरे पास आ चुका था क्योंकि जिस सत्संग में मैं गई थी शिवरात्रि वाले दिन, उस दिन भी मुझे एक स्वरूप गुरु जी का मिल गया था। तो वहां पे जब मैं गई बड़े मंदिर, तो मुझे वहां पे बहुत ज्यादा रश था, बाय चांस उस दिन बहुत ही ज्यादा रश था, गर्मियों का तो टाइम था पर बहुत ही ज्यादा भीड़ थी वहां पे। तो उन्होंने ब्लेसिंग का जो जहाँ पे वो कॉर्नर है देते हैं, तो वो चीज उन्होंने बंद कर रखा था। हम पहुंच गए थे कि यहाँ से ब्लेसिंग मिलेगी, तो अब मैं परेशान हो रही, मैंने कहा अरे भाई मेरे को भी लॉकेट चाहिए था, कैसे मिलेगा कैसे मिलेगा कैसे मिलेगा, नहीं मिला। निराश हो गई कि अभी आज तो यहाँ पे बट ही नहीं रहा है कुछ भी। लेकिन आपको मैं बताती हूँ उस दिन क्या करिश्मा हुआ, जब हम किसी चीज को दिल से पुकारते हैं तो हमारे पास कैसे पहुंचती है, वो क्या माध्यम बना। एक लेडीज वहां पे आ रखी थी पानीपत से, हाँ पानीपत से ही आ रखी थी वो, तो वो हमारी बेचैनी देख के समझ गई कि यहाँ पे तो आज नहीं मिल रहे हैं लॉकेट और कुछ भी नहीं मिल रहा। मेरी सिस्टर को भी चाहिए था, हमें भी चाहिए था, और जो दो चार लेडीज और थी साथ में उनको भी चाहिए था। तो उस लेडीज ने क्या कहा कि मेरे पास आपको देने के लिए एक लॉकेट है, मैं आपको भी देती हूँ। उसने अपना टक से पर्स खोला और उसमें से गुरु जी का एक लॉकेट निकाल के मेरे हाथ में रख दिया। तो सोचिए इतने सारे लोगों में मुझे अकेली को जब लॉकेट मिला तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो गई कि मतलब मेरा गुरु जी के साथ ऐसा हुआ कि मेरा एक डीप कनेक्शन बन गया, कि गुरु जी ने मेरी बात को तुरंत ही बिल्कुल मान लिया कि हाँ मेरे को लॉकेट मिल गया। बाद में फिर उन्होंने बोला, मेरे को भी बोला, मेरी बहन को भी बोला कि जो शटल सेवा करते हैं आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि अगर किसी के पास हो तो। तो अब हमें तो नहीं इतना आइडिया था, लेकिन फिर भी हमने सोचा चलो ट्राई कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। मेरी सिस्टर को भी चाहिए था, वो भी बेचैन थी कि उसको भी लॉकेट चाहिए। अब मेरे को तो मिल चुका था, एक ही लॉकेट था, लेकिन मेरी सिस्टर को नहीं मिला था। तो वहाँ पे फिर वो जो एक संगत जी थे शटल सेवा में, तो उनसे हमने पूछा कि भाई यहाँ पे तो ये बंद है कॉर्नर, क्या हमें लॉकेट मिल सकता है। तो एक कमाल हुआ, उन्होंने कहा चलो आप वेट करो, मैं देखता हूँ कि आपके लिए कुछ लॉकेट मेरे पास अगर निकल आए तो बस। और उन्होंने हमें सेकंड राउंड में अपने पास से लॉकेट दिए, मेरे को भी दिया, मेरी सिस्टर को भी दिया, और दो चार लेडीज और थी हमारे साथ, उन सबको भी एक एक लॉकेट मिल गया। तो भाई ये तो गुरुजी की ब्लेसिंग है, कमाल हो गया कि वहाँ पे बिल्कुल बंद था कॉर्नर लेकिन हमें फिर भी लॉकेट मिले। तो शुक्राना है गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का अपनी कृपा हम पर बनाने के लिए। तो मैं तो यही कहूँगी कि जितनी भी नई संगत गुरु जी की जुड़ रही है, तो उन्हें वास्तव में बहुत ज्यादा होता है कि भाई हमें जल्दी से जल्दी मिल जाए, बस किसी भी तरह से स्वरूप मिल जाए, स्वरूप मिल जाए। तो मैं आपसे यही आग्रह करती हूँ कि आप अमेज़ॉन से या उसमें डाउनलोड करके गुरु जी का स्वरूप मत लीजिए, आप वेट कीजिए, गुरु जी आपके घर अपने आप ही आएंगे, जिस भी माध्यम से, माध्यम भी वो ही बनाएंगे, रास्ता भी वो ही बनाएंगे, और वो अपने आप ही आएंगे, है ना। आप एक बार हो सके तो बड़े मंदिर जरूर चले जाइए, क्योंकि वहां पर जो कॉर्नर होते हैं, मैंने सुना है कि वहां पे काफी गुरुजी की ब्लेसिंग दी जाती है, जो नई संगत होती है उनको भी दी जाती है, पुरानी संगत को भी दी जाती है। तो वहां पे आप एक बार गुरुजी की ब्लेसिंग लेने के लिए वहां जाइए, आपको, मेरे को विश्वास है आपको वहां से जरूर मिल जाएगी। और नहीं तो आप देखिए कि आपके शहर में कहाँ पे सत्संग हो रहे हैं, तो आप उन सत्संग को अटेंड कीजिए, है ना। और गुरुजी अपने आप ही मैसेज भी भेजेंगे आपको सत्संग को ज्वाइन करने का। उस सत्संग में जब आप आएंगे तो वहां पे भी ब्लेसिंग बढ़ती है ना, कोई ब्रेसलेट बांटता है, कोई स्वरूप बांटता है, कोई लॉकेट बांटता है, जिसकी जैसी इच्छा होती है वो बांटता है, गुरु जी की जैसी इच्छा होती है वो उन संगत जी के माध्यम से जिस जिसको देना होता है वो बंटवा भी देते हैं। हाँ, उसके बाद मेरे को एक जगह सत्संग में गई थी मैं, यहाँ पे अपने इधर हमारे देहरादून में गोविंदगढ़ है जगह, वहां पे मैं सत्संग में गई और मैं तो पूरी श्रद्धा के साथ सत्संग में अटेंड करी थी। वहां पे भी एक चमत्कार हुआ मेरे साथ, के एक आंटी ने
जब सत्संग समाप्त हुआ मुझे कहा कि बहुत देर से मेरे को जो है आपके लिए गुरुजी बार बार निर्देश दे रहे हैं कि मैं आपको ये ब्लेसिंग दूं। और वो आई और उसने मेरी मुट्ठी में ऐसे रख के मुट्ठी बंद भी कर दी कि ये ब्लेसिंग दूं। तो मैंने कहा अच्छा वाह। तो मैंने खोल के देखा तो उसमें बड़ा वाला लॉकेट था गुरुजी का। तो ये गुरुजी की मेहर है, जब किसी को भी गुरुजी को कुछ ब्लेसिंग देनी होती है तो वो गुरुजी अपने आप ही उस सत्संग में आपको बुला लेंगे और उस सत्संग में आपको ब्लेसिंग भी उसी के अनुसार मिल जाएगी। अब तो गुरुजी कृपा से मेरे पास काफी गुरुजी ने कृपा करी है, स्वरूप भी है, लॉकेट भी है, ब्रेसलेट भी है, जो भी चीज चाहिए सब कुछ है। गुरुजी ने भरपूर कृपा मुझ पर करी है और अब बस मैं ये चाहती हूँ सबके ऊपर गुरुजी कृपा करें। और ये मैसेज मैं आप सबके साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ, गुरुजी का मैसेज है ये कि जिसको भी स्वरूप की जरूरत है वो अमेज़न वगैरह से ना खरीदे, डाउनलोड ना करे और वेट करे, गुरुजी की टाइमिंग का वेट करे। आपके पास अपने आप गुरुजी का स्वरूप, गुरुजी की ब्लेसिंग पहुंच जाएगी, है ना। क्योंकि गुरुजी थोड़ा सा टेस्ट भी लेते हैं, आपके पेशेंस का टेस्ट लेते हैं कि आप असली संगत हो या बस टेम्परेरी हो, कि थोड़े दिन में ही बस आपका आपने कोई विश मांगी या कुछ करा नहीं पूरी हुई तो आप अब फिर नेक्स्ट जगह चले गए, है ना। तो आपको डटे रहना है, गुरुजी की ब्लेसिंग का वेट करना है, वो आपके पास किसी भी माध्यम से पहुंचाए जरूर पहुंचा देंगे। तो ये मैं आपके साथ सच्ची बात कह रही हूँ, इस बात को आप बिल्कुल विश्वास कीजिए और विश्वास के साथ आप बंधे रहिए, क्योंकि विश्वास में ही सारी शक्तियां छिपी हुई हैं, है ना। ये जो हमारे गुरुजी हैं, ये गुरुजी मेरी भी बात सुन रहे हैं, आपकी भी बात सुन रहे हैं और गुरुजी की आज्ञा से ही मैं ये वीडियो भी बना रही हूँ ताकि आप सबके पास ये मैसेज पहुंच जाए, है ना गुरुजी। तो यही माध्यम है कि गुरुजी अपने आप अपनी जगह बनाते हैं कि गुरुजी को कहाँ पे विराजित होना है, ये भी गुरुजी ही डिसाइड करते हैं। हम लोग डिसाइड नहीं करते कि गुरुजी कहाँ बैठेंगे, कहाँ विराजेंगे, तो ये भी गुरुजी का ही निर्देश होता है। तो आप सब लोग जितनी भी नई संगत है वो इस बात का वेट कीजिए कि गुरुजी आपको स्वरूप किस माध्यम से भिजवाएंगे वो उन्हीं के ऊपर छोड़ दीजिए, आपको स्वरूप अवश्य मिलेगा। आपकी सच्ची श्रद्धा रहनी चाहिए, बस विश्वास होना चाहिए, बस, है ना। श्रद्धा और सबर, बस यही दो ही चीजें हैं। थोड़ी आप श्रद्धा रखिए, थोड़ा सबर रखिए और देखिए किस तरह से गुरुजी आपके घर जल्द से जल्दी आएंगे, है ना। सत्संग का वेट कीजिए, किसी ना किसी सत्संग में आपको बुला लेंगे। और आपको ज्यादा जल्दी है तो गुरुजी से अरदास इस बात की कीजिए कि गुरुजी आप हमें अपने बड़े मंदिर बुलाओ। जब वो आपको बड़े मंदिर बुलाएंगे तो गुरुजी की ब्लेसिंग आपको वहां भी मिल जाएगी। तो मेन चाहिए आपको गुरुजी की ब्लेसिंग, तो ब्लेसिंग के माध्यम से ही आपको स्वरूप भी मिल जाएगा, लॉकेट भी मिल जाएगा, ब्रेसलेट भी मिल जाएगा, जिस चीज की इच्छा करोगे वही चीज आपको अवश्य मिल जाएगी। तो ये तो आज मैंने आपके साथ छोटा सा सत्संग शेयर करा अपना भी, और एक कमेंट में जो जवाब देना था मुझे उसका मैंने जवाब भी दिया है, है ना। तो ये आप मेरे को मतलब पहले भी कई कमेंट आ चुके हैं लेकिन आज जो कमेंट आया है स्पेशली मैं ये उन्हीं के लिए बना रही हूँ वीडियो के, वेट कीजिए और सत्संग के माध्यम से ही आपको गुरु जी का स्वरूप मिलेगा और जरूर मिलेगा, है ना। तो ये आप प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा मैं खुद कर चुकी हूँ। मैंने अमेज़न से खुद मंगाया था, तब मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था कि गुरुजी का स्वरूप अमेज़न से नहीं मंगाना। तो बाद में जितनी भी संगत मिली मुझे सबने मेरे को यही कहा कि गुरुजी का जो स्वरूप है वो आपको ब्लेसिंग के माध्यम से किसी भी सत्संग में मिलेगा। और यही बात पे मैं भी आज विश्वास करती हूँ कि अमेज़न से नहीं मंगवाना है और ब्लेसिंग आपको मिल जाएगी, इस बात पे बस आप अपना विश्वास बनाए रखिए। तो जैसी गुरुजी की इच्छा, गुरुजी ने मेरे से जो बुलवाया मैंने बोला। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि नई नई संगत के पास भी ये मैसेज आराम से पहुंच जाए। तो जय गुरुजी सारी संगत को।